स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज मैं आपको कराने वाला हूँ स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जी हाँ, जो रेशो का चैप्टर है इसमें एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जी हाँ, इसका हम पहला सम करने वाले हैं जिसमें हमें निकालना होगा ग्रोस प्रॉफिट। जी हाँ, ग्रोस प्रॉफिट रेशो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये 90th ईयर्स है जिसकी स्टेटमेंट हमें अबाउट गिवन है। इसमें हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपीज का, परचेज 1,50,000 की, परचेज रिटर्न 20,000 की, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है 10,000 के, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है 2,50,000 का, क्लोजिंग इन्वेंट्री में दी है 40,000 की। बच्चों ध्यान से करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल। सेल को हम लिखते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल, सेल को हम लिखते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुना सोल। जी हाँ मेरे बच्चों, अब सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ग्रोस प्रॉफिट निकाला जाता है मेरे बच्चों सेल में से, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट माइनस करके। जब हम सेल में से कॉस्ट माइनस करते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज है जो मैं लिख रहा हूं आपको, सेल में से कॉस्ट माइनस करोगे आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल का नाम होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट का नाम होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब सेल हमें दी हुई है इतनी, कॉस्ट हमें निकालनी है। कॉस्ट हम इन चीजों से निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज इसमें से इसको माइनस करके, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगी, अर्थात एक फर्म के अंदर कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है ओपनिंग स्टॉक से। आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम कॉस्ट निकालने के लिए हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली वेजेस हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये है कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। ओपनिंग शुरू में हमारे पास स्टॉक पड़ा है 50,000 का, साल भर में 1.5 लाख का खरीदा, 20,000 का वापस कर दिया, तो नेट परचेज कितना हो गया 1,30,000। 1.5 लाख में से 20,000 माइनस करिए, ये 1,30,000 हो जाएगा। शुरू में स्टॉक है 50,000 का प्लस 1,30,000, 81। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस हुए हमारे यहाँ पर कितना हो गया 1,90,000। 1,90,000 में से अगर 40 चले जाएंगे कितना आएगा 1.5 लाख। जी हाँ, 40 हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, 1.5 लाख हमारे पास आ गया कॉस्ट। अगर सेल हमें दी हुई है, सेल हमें दी हुई है 2.5 लाख की, कॉस्ट हमारी निकली है 1.5 लाख, सेल में से कॉस्ट चले जाएंगे, 2.5 में से 1.5 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है, जीपीआर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल गुना 100, ये आ गया हमारे पास 40%। बच्चों ये इलस यहाँ पर एंड हुआ, और प्रैक्टिस आप प्रैक्टिकल की कर लेना।